अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अकबर सिराज, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी 5 बजे का टाइम है और मैं उठा अभी सहरी के लिए। तो सहरी में आज हमारे पास है मच्छी का सालन और वटाने और सेगट की फली, सींग की जो फली रहती है उसका है। ये हमारी आज की सहरी है और अभी लाइट गई हुई है, लेकिन अभी हमारे पास ये जो बल्ब है उसके सहारे हम लोग अभी है। वो भी कब तक चलेगा अभी पता नहीं, लाइट गए हुए काफ़ी टाइम हुआ। अब में कितने बजे लाइट गई कुछ पता नहीं। ये सहरी हमारी आज की अलहमदिल्ला अभी हमारी सहरी करके हो गई। अभी और 10 मिनट कुछ बाकी है सहरी का टाइम ख़त्म होने के लिए। अलहमदिल्ला आज हमारी सहरी बहुत जल्दी हुई माशाल्लाह। मैं सुबह में फजर की नमाज़ के लिए मस्जिद में नहीं गया, घर पे ही जल्दी से, और फिर सो गया तो फिर मैं थोड़ा लेट ही उठा के मैं तो बस सो गया ना सुबह में, फिर वो नींद लंबी हो जाती है। तो अभी जोहर की नमाज़ पढ़ूंगा मैं घर में ही, और इंशाल्लाह फिर उसके बाद थोड़ी देर कुरान पढ़ूंगा और फिर देखते क्या है आगे। ये धूप देखो, ऐसी कड़क धूप है अभी, ऐसी भाप आ रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हवाएं भी चल रही, तो अल्लाह का शुक्र है वो इक्वल हो रहा है माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जोहर की नमाज़ में पढ़ लिया अभी, और मैं अभी जा रहा हूँ बकरियों को बांधने के। अब्बा आज बाहर गए हुए काम से, तो बकरियों को बांध के फिर मैं इंशाल्लाह कुरान वगैरह पढ़ूंगा। अभी असर की नमाज़ पढ़ के मैं निकला हूँ कारुल की तरफ। आज दही लेना है, दूध लेना है। गांव में हमारे दही और दूध वगैरह नहीं मिलता, तो कारुल जाना पड़ता है लाने के लिए। चाट मसाला लेना था लेकिन वो नहीं मिला। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया अभी इफ्तारी का टाइम, और थोड़ा सा टाइम बाकी है, तब तक मैं फटाफट आपको बताता हूँ आज इफ्तारी में क्या क्या है। सबसे पहले तो ये स्माइल करता हुआ केचप, उसके ठीक बगल में पापड़ी चाट और बटाटा चिप्स, कांदा भजी, ये आज है हमारी इफ्तारी। और फ्रूट्स आज हम लोगों ने थोड़े ही काटे, क्योंकि हर रोज़ बहुत ज़्यादा फ्रूट्स हो जाते और फिर वो वेस्ट हो जाते, इसके लिए वेस्ट तो नहीं होते, बाद में खा लेते, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा हो, इसीलिए आज थोड़े काटे। आज भजी ज़्यादा है और पापड़ी चाट तो मैं बहुत शौक से खाता हूँ। तो चलिए थोड़ा सा वक्त बचा है उसमें हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह। आप लोग भी मुझे दुआ में याद रखिए और ख़ास तौर से फ़लस्तीन के लिए दुआ कीजिए इंशाल्लाह। अभी अजान हो गई, अभी हम लोग रोज़ा इफ्तार करते हैं। बिस्मिल्लाह। आज पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगी। चलिए मैं शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं, सब में से थोड़ा थोड़ा खाऊंगा इंशाल्लाह, और नमाज़ के लिए जाऊंगा। नमाज़ से आने के बाद फिर इफ्तारी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। ये हम लोग की सबकी फेवरेट चीज़ है, दली हुई मिर्ची। आज फिर से हमारे खालिद चाचा की तरफ से इफ्तार आया हुआ है, कटलेट। माशाल्लाह। और अभी मैं हमला करूँगा सीधा हमारे मेन चीज़ पे, पापड़ी चाट। और मेरा बाइट देखो कितना बड़ा है।
एकदम फुल पैसा वसूल। जब लोग बीच वगैरह पे खाते ना या फिर ठेले वगैरह पे खाते हैं, उससे काफ़ी अच्छी बनी माशाल्लाह। असल में क्या हुआ, अज़ान जब हुई ना तो हम लोग को पता ही नहीं चला, मतलब अज़ान का आवाज़ ही ना आई इधर के, तो उमर घर की अज़ान पे हम लोग ने रोज़ा इफ्तार किया और अभी जमात खड़ी भी हो गई। तो हर रोज़ ऐसा होता है कि जमात खड़ी होने से पहले मैं पहुंच जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह लेट हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ पढ़ के आ गया मैं अभी, और अभी पापड़ी चाट पे हमला करेंगे। पापड़ी चाट बहुत बेहतरीन बनी माशाल्लाह, ये चम्मच में आती नहीं सही से। बिस्मिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का रोज़ा अच्छे से माशाल्लाह कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और बताइए कि आप लोगों ने आज इफ्तार में क्या खाए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।